हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है तेजस एक्सप्रेस के बारे में, जो कि मुंबई से गोवा के बीच में चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है तेजस एक्सप्रेस के बारे में, जो कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से गोवा के करमाली स्टेशन तक चलती है। अगर हम बात करें इस तेजस एक्सप्रेस के ट्रेन नंबर के बारे में, तो उसका नंबर ट्रेन नंबर है 22119 और ये हफ्ते में 5 दिन चलती है। हर इतवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार और शनिवार को ये चलती है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से करमाली तक, और ये 8 घंटे 10 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके 8 स्टेशंस हैं और ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है ये है 552 किलोमीटर का। अगर हम बात करें इसके कोचेस के बारे में, तो उसमें LHB कोचेस जो है दिए गए हैं और इसमें एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास और AC चेयर क्लास के डिब्बे हैं, और इस ट्रेन में LED TV, फोन सॉकेट्स और सेलिब्रिटी शेफ मेनू, वाईफाई और टी और कॉफ़ी वेंडिंग मशीन से। अगर हम बात करें इसके किराए के बारे में, तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास का जो मुंबई से करमाली का किराया है वो है 2980 रुपये और AC चेयर कार का जो किराया है वो है 1525 रुपये। ये जो किराया मैं आपको बता रहा हूँ ये अपडेटेड किराया नहीं है। आप अपडेटेड किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं। इसमें GST चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर, सुपरफास्ट चार्ज और कैटरिंग चार्जेस शामिल होते हैं। ये जो ट्रेन है फुली AC ट्रेन होती है, इसमें AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के कोचेस होते हैं, और इसमें जो फूड फैसिलिटी आपको ट्रेन के अंदर ही प्रोवाइड की जाती है, ये फूड फैसिलिटी के लिए के जो चार्जेस होते हैं आपकी टिकट में पहले से ही इंक्लूडेड होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मुंबई करमाली तेजस एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में, कि जान लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से इसके करमाली तक कौन कौन से स्टेशन हैं और इसका टाइम टेबल क्या है। ये जो तेजस एक्सप्रेस है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सुबह 5:50 पे हर इतवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को चलती है और इसके तकरीबन 8 स्टेशंस हैं। दूसरा जो स्टेशन है इस तेजस एक्सप्रेस का वो है दादर सेंट्रल। यहाँ पर ये सुबह 5:58 पे पहुँचती है और 6 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है थाने स्टेशन में पहुँचती है सुबह 6:23 पे और 6:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पनवेल जंक्शन में पहुंचती है। पनवेल जंक्शन में ट्रेन जो है 6:58 पर सुबह पहुंचती है और 7 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है चिपलुन स्टेशन में पहुंचती है। चिपलुन स्टेशन में ये 9:45 पर सुबह पहुंचती है और 9:47 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रत्नागिरी स्टेशन में पहुंचती है सुबह 10:50 पर और 10:55 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद तेजस एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन कुंडाल में पहुंचती है 12:38 पे दोपहर को और 12:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद तेजस एक्सप्रेस जो है फाइनली अपने आखिरी स्टेशन करमाली नॉर्थ गोवा में पहुंचती है दोपहर के 2 बजे और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। मुंबई से करमाली की जो दूरी है 552 किलोमीटर की ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ ये तेजस एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।